तो ऑपरेशन रिस्क आपने समझ लिया। ऑपरेशन रिस्क समझने के लिए अब ये आपकी बुक में, ये ऑपरेशन रिस्क नई वाली बुक के अकॉर्डिंग, एक तो पेज नंबर कहाँ दिया हुआ, 241 पे दिया हुआ है, और एक पेज नंबर कहाँ दिया हुआ है, 241 में ये वर्ड लिखा हुआ है, चार्ज ऑन कैपिटल, जिसका नाम टेक्निकली कैपिटल चार्ज बोलते हैं, और 349 पे क्या दिया हुआ, मैनेजमेंट। ये दोनों यूनिट, ये है यूनिट कौन सी, 13, ये दोनों यूनिट मिल करके आपका ऑपरेशन रिस्क पूरा करते हैं। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि कोई भी रिस्क क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव अप्रोच में होता है, तो इसमें कौन सी क्वांटिटेटिव अप्रोच है, कौन सी क्वालिटेटिव है, थ्योरी वाला जो है क्वांटिटेटिव है, ये है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन से सेक्शन होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, वो डिपार्टमेंट क्या काम करता है, थ्योरी क्यों, कोर थ्योरी है, ठीक है। अब ये क्या है, चार्ज ऑन कैपिटल, जहां भी कैपिटल की बात आ जाए तो कैपिटल कैसे, किन किन टर्म्स में वो करते हैं, रुपीज में, मनी में, यानी क्वांटिटेटिव है। और इस क्वांटिटेटिव की, क्वांटिटेटिव की अप्रोचेज है, इस क्वांटिटेटिव की अप्रोचेज हैं, और ये अप्रोचेज आपकी क्वांटिटेटिव की इसी की नहीं है, क्रेडिट की भी है, मार्केट की भी है, और ऑपरेशन की है। ये आपकी बुक में कहाँ दिया हुआ है, तो देखना जहां पर तीनों अप्रोचेज का नाम दिया हुआ है। अगर आपने थोड़ी थोड़ी बुक पढ़ी है तो पेज नंबर 222 पे आइए, पेज नंबर 222, पेज नंबर 222, आप ये देखिए, दिख रहे हैं आपको, ये दिख रही हैं, इसको टिक मार लीजिए, और टिक इसलिए मार लीजिए कि तीनों के क्वांटिटेटिव निकालने के तीन तीन तरीके, तीनों के क्वांटिटेटिव निकालने के तीन तीन तरीके, और इन तीन तरीकों में जो क्रेडिट रिस्क है उसको इंडिया में पहले नंबर वाले से निकाला जा रहा है, कौन से, ये थ्योरी का क्वेश्चन आया है कई बार, हाँ, और दूसरा कौन सा रिस्क है, तीसरा कौन सा है, ऑपरेशन रिस्क में इंडिया में कौन सी अप्रोच है, पहली वाली, ये पिछले से पिछले बार आया हुआ क्वेश्चन, एक नंबर का सॉलिड, इंडिया में कौन सी अप्रोच से निकाल रहे हैं अभी, ये नीचे वाली अप्रोच और पहली वाली अप्रोच में क्या फर्क होगा, आपको क्या महसूस होता है, ये डेफिनेटली नाम से भी पता लग रहा है एडवांस है, तो इसका मतलब इसके लिए हाई लेवल की मॉडलिंग या हाई लेवल का प्योर डेटा चाहिए, और इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, डेटा प्योर नहीं है अभी तक, इवन जो नए अकाउंट खुल रहे हैं उसमें सारे फील्ड नहीं भरे जाते, मतलब जितने फील्ड बिना भरे काम चल जाए, अगर वहाँ कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि सर्विस कहाँ करता है, आपने गवर्नमेंट टिक कर दिया, उसके बाद भी चार ऑप्शन आ रहे हैं कि एजुकेशन में, हेल्थ में, आप उसे छोड़ दे रहे हैं, सिस्टम दे रहा, तो क्या है कि डेटा प्योर नहीं है, इसलिए इंडिया में अप्रोचेज का पहला फेज चल रहा है। सबका जब आप अपने बैंक का डिस्क्लोजर देखोगे ना कभी कि हमारे वहाँ बेसल की क्या पोजीशन है, तो उसमें दिखाता है कि हमारे वहाँ ऑपरेशन रिस्क इतना है, ब्रैकेट में लिखता है कौन सी अप्रोच से, बेसिक इंडिकेटर। ये अभी हम, क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर किस पे फोकस कर रहे हैं, ऑपरेशन रिस्क पे, तो क्लियर हो, तो अब बात समझ में आई कि कितनी अप्रोच है इसमें ऑपरेशन रिस्क में निकालने की। पहली वाली क्या है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है, और तीसरी का नाम, एडवांस मैनेजमेंट, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, तीन अप्रोच है, ठीक है। इन तीन अप्रोच को समझने के लिए अगर अब उस दोबारा उस पेज पे आइए, ये पेज नंबर है 243, पेज नंबर 243 में आइए, 243 में हेडिंग दिखाई दे रहा है आपको, जो टेबल बनी है, पहला क्या लिखा हुआ, सबसे पहला क्या लिखा हुआ यहाँ पे, रिस्क
रिस्क क्या लिखा हुआ, बेसिक इंडिकेटर, दूसरे में क्या लिखा हुआ और तीसरे में क्या लिखा हुआ। अब आप देख रहे हैं कि बेसिक के नीचे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, 15% ऑफ एवरेज ग्रॉस इनकम ओवर 3 ईयर। बस यहाँ से बात पकड़ लो, हमने आपसे बोला था पिछले सालों में कमाई गई कैपिटल पे चार्ज लगेगा, उसका एक थंब रूल बनाया उसने, कितने साल की एवरेज, 3 साल। कोई लॉजिकली बता सकता है 3 साल क्यों रखा इसने? इसलिए कि अगर आपने 5-7 साल पहले कोई इनकम कमाई है तो उसमें जो रिस्क रिसेंट ईयर में होना था वो बात खत्म हो गई। अब आप कहो कि हमारे फादर विदेश गए थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाए और उन 5 करोड़ में कभी भी हो सकता है तो उसके लिए प्रोविजन करो, ये जस्टिफाइड नहीं। तो उसने क्या करा, लास्ट 3 ईयर की, प्रीवियस ईयर की ग्रॉस इनकम, अंडरलाइन कर लेना, ग्रॉस इनकम प्रॉफिट नहीं है ये, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये वर्ड ढूंढना पड़ेगा, क्या ग्रॉस इनकम, और बैलेंस शीट में कहीं ग्रॉस इनकम का कॉलम होता है कि होता है, क्या नाम होता है उस कॉलम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में P&L जो बनता है उसमें टोटल इनकम होती है, एक तरफ इनकम दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ है, ऐसी होता ना। लेकिन यहाँ पे वर्ड यू यूज कर रहा है ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम नहीं यूज कर रहा है, और ग्रॉस इनकम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टोटल इनकम से डिफर करती है। अभी के लिए टोटल इनकम ज्यादा होता है। देखो सबसे पहले होता है नेट इनकम जो सबसे छोटा होता है, नेट के बाद ग्रॉस इनकम, फिर क्या है टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम में से कुछ हटा दिया तो ग्रॉस इनकम होगी, ग्रॉस इनकम में से कुछ हटा दिया तो नेट इनकम, सो कॉल्ड नेट प्रॉफिट, ऐसे होता ना, ठीक है। तो वो 3 साल की, और जब न्यूमेरिकल आपका आएगा तो एक बार ध्यान रखना आप कि जिस साल में लॉस हुआ होगा उसको हटा दोगे आप, क्योंकि लॉस जो हुआ उसने ऑटोमेटिक आपकी कैपिटल को खा लिया। तो पिछले जब 3 साल का केस आएगा ना, जिसमें लॉस होगा उसे दबा दोगे, सिर्फ आप प्रॉफिट वाले 2 साल लोगे और एवरेज डिवाइडेड बाय 2 होगा। हाँ बिल्कुल, वो डिवाइडेड 3 नहीं होगा, क्योंकि जिस साल लॉस हो गया उसने तो आपकी कैपिटल खा दी, और कितनी खाई, परसेंट नहीं, पूरी खा दी। यहाँ तो कुछ परसेंट रख रहे हैं, लास्ट 3 ईयर की ग्रॉस इनकम का 15% जो भी नंबर आएगा वो आपकी पूरी कैपिटल में चार्ज लगा रहेगा कि कभी भी गायब हो सकता है, यानी उतनी कैपिटल तो आपकी होनी ही चाहिए अगर आप बैंकिंग बिजनेस रन करते हैं अंडर बेसल लॉन्स, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, हाँ अच्छा, इंडिया में देखो अभी मैंने यहाँ लिखा क्या लिखा, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच का, ये जो रूल बता रहा हूँ कौन सी अप्रोच का बता रहा हूँ, बेसिक इंडिकेटर का ही रूल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या है बेसिक इंडिकेटर, 15% ऑफ ग्रॉस इनकम कितने साल की, लास्ट ईयर का एवरेज इनटू 15, ठीक है। एक 242 पेज पे एक बड़ा टेक्निकल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, 242 पेज पे बहुत टेक्निकल सा फॉर्मूला लिखा हुआ, देख रहे हैं जरा उसको, KVI लिखा हुआ है, के का मतलब कैपिटल, आपको पता है कुछ जर्मन और लैटिन में, हाँ वहाँ पे क्या होता है के मतलब कैपिटल को के से ही वो डिनोट करते हैं, CA ना करके, ठीक है। तो के फिर क्या लिखा हुआ, BIA बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, फिर क्या लिखा हुआ मिला आपको इससे और आगे, ये पुरानी बुक में नहीं है, ये पुरानी बुक में नहीं है ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला लग तो बड़ा टेक्निकल रहा है, जो मैंने मुंह से बोला वही है फॉर्मूला, आप देखो क्या लिखा हुआ उसने बाद उसमें, समेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फॉर पॉजिटिव ग्रॉस इनकम, देखो पॉजिटिव बोल दिया उसने, सिग्मा का समेशन फिर डिवाइडेड बाई एन लिखा हुआ,
इसने थ्री क्यों नहीं लिखा हुआ है? नंबर पॉजिटिव एन, वही बात आ गई ना कि थ्री होता तो कॉन्स्टेंट थ्री हो जाता, एन का मतलब जितने पॉजिटिव लोग उतना ही होगा। अच्छा इन टू क्या लिखा हुआ है? चार्ज 15% लिखा हुआ। ठीक है आप चाहो तो उनके सामने समझ में आ गई बात। अच्छा इसने इनटू अल्फा लिखा हुआ, एक क्या लिखा हुआ? अल्फा। कई बार जब वो थ्योरी में घुमा के पूछता तो आप इसे अल्फा नहीं समझ पाते। अल्फा इज व्हाट? द परसेंटेज ऑफ कैपिटल चार्ज एच पर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच इज नोन एज अल्फा। तो ये फॉर्मूला क्या बना भैया? सिंपल बना यही वाला। तो ये क्या है इस समय यहाँ पे हमारे पास? अल्फा है और ये हमारे लिए क्या है? आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब बार बार क्या लड़ाई हो रही है? ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम। फॉर्मूला मिलने के बाद फिगर चाहिए ना आपको। अच्छा आपके पास जब बैलेंस शीट होती है तो मैंने बोला ग्रॉस इनकम नहीं होती उसमें। बैलेंस शीट में एक फिगर होती है नेट प्रॉफिट और दूसरी टोटल इनकम। बैलेंस शीट जो होती है वो कुछ इस तरह की होती ना। यहाँ पे आपकी क्या है? इनकम है। आपने सपोज किया 5 लाख की इनकम हो गई। यहाँ पे आपकी क्या है? एक्सपेंसेस है। पता लगा 80,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। ऐसी होती है बैलेंस शीट। और आमतौर पर जब भी क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा ना देखे कि इन्हीं में से कुछ आइटम उठाता है। सबसे पहला आइटम उठाता है ये, इसका नाम क्या है? नेट प्रॉफिट। वो कहता है द नेट प्रॉफिट फॉर द पर्टिकुलर ईयर इज दिस एंड दिस एक्सपेंसेस इज दिस, दिस इनकम इज दिस, दिस मच अमाउंट वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ अकाउंट, दिस मच अमाउंट वी हैव राइट ऑफ। अच्छा जो राइट ऑफ अमाउंट की रिकवरी है वो कहाँ आती है? हमारे इनकम में। और राइट ऑफ करे हुए अकाउंट कहाँ जाते हैं? एक्सपेंडिचर में आते हैं। आ रही बात सुने? तो अब उसके नीचे उसने बताया भैया ग्रॉस इनकम कैसे निकलेगी। थ्योरेटिकल पार्ट है, ग्रॉस इनकम कैसे निकलेगी। तो ग्रॉस इनकम में देखो 242 पेज खोलिए, उसके नीचे लिखा हुआ है कि ग्रॉस इनकम कैसे निकलेगी। देखिए दिख रहा? तो इसमें जो ग्रॉस इनकम डिफाइन लिखा हुआ है, क्या बोला सबसे पहले? नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम। इस क्वेश्चन में से वहां पर आपका जब थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। क्या बोला? ग्रॉस इनकम मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो आपको पता है आपके बैंक में क्या होती है? एक तो इंटरेस्ट इनकम होती है नेट। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती भैया? आपने इतने रुपए डिपॉजिट पे बांटे, लोन से इतने कमाए, उनका डिफरेंस नेट इंटरेस्ट इनकम। फिर क्या बोलता है? प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम। नॉन इंटरेस्ट इनकम में आपने एक्सचेंज कमीशन कमिटमेंट चार्जेस कुछ कमाए, लेजर फोलियो चार्जेस कमाए, वो माइनस देयर आर सो मेनी आइटम्स, बिजली का बिल दिया, ये दिया, वो दिया, एक्सेट्रा। इन दोनों आइटमों के अलावा जितने आइटम होते हैं उन पे कॉशियस होना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी एक आइटम दिया था, कौन सा वाला? कि भैया राइट ऑफ की इनकम को और राइट ऑफ के एक्सपेंडिचर को कंसीडर करना है। क्यों करना है कंसीडर, जरा बता सकते हो? राइट ऑफ की इनकम क्यों कंसीडर कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो, देखो सुनो, इसने पिछले कितने सालों की इनकम पे ग्रहण लगाया? 3 साल। जब भी कोई राइट ऑफ होता है अकाउंट, वो आमतौर पर कितना पुराना है? आमतौर पर 5-5 साल से पहले के कोई अकाउंट राइट ऑफ नहीं करता है। कोई एकदम से फ्रॉड हो जाए तो उसको एक साल में कर देता है, बैलेंस शीट साफ करने के लिए अलग बात है। इसका मतलब वो राइट ऑफ के लिए जो आपने इनकम लाए हैं, जिसको आपने 5 साल पहले राइट ऑफ किया था, 5 साल पहले एनपी हो गया था, आज आप राइट ऑफ कर रहे हैं। वो राइट ऑफ क्या करेगा? वो एक आपका ऑपरेशनल लॉस नहीं है। कौन सा लॉस नहीं है? ऑपरेशनल भाई, वो तो पुराना का चला आ रहा था, वो एक तरह से आपका क्रेडिट रिस्क से कवर होता है। तो अच्छा अगर मान लिया हमारा 50,000 का राइट ऑफ हुआ इस साल, कितने का? 50,000।
तो उससे मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? घट गया। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये कहाँ दे दिए भैया, राइट ऑफ। तो कॉमन सेंस देखा जाए तो आप यही कहोगे यार ये तो उसकी वजह से हो गया, अदरवाइज मेरा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो यही रहा। लेकिन अब हम इस प्रॉफिट की टर्म को ग्रॉस इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नेट प्रॉफिट इज व्हाट प्लस समथिंग वी आर राइटिंग, इट मींस दिस इज गोइंग टुवर्ड्स ग्रॉस इनकम। देयर आर सम मोर थिंग, जैसे ये तो आपका एक्सपेंस हुआ, पता लगा 20 साल पुराना राइट ऑफ था उसमें 70,000 की रिकवरी आ गई। हाँ, 70,000 की रिकवरी आपकी इसमें क्या इंपैक्ट डालेगी? अगर हम ये कहें कि 80,000 का नेट प्रॉफिट है और पूरी बैलेंस शीट को देखा हमने, 70,000 की रिकवरी है किसमें? राइट ऑफ में। तो वास्तव में प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट तो 80,000 नहीं, 10,000, क्योंकि ये तो एक ऐसा पैसा चला आया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, जिसका इस ईयर से या पिछले 3 सालों से कोई कंसर्न नहीं था। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि राइट ऑफ में अगर इनकम आई है तो आपके प्रॉफिट को माइनस करती है, क्या बनाने के लिए? ग्रॉस इनकम बनाने के लिए। और राइट ऑफ एक्सपेंसेस हुए हैं तो आप ये मानेंगे कि वो नेट इनकम में जुड़ करके क्या बनाएंगे? तो अगर मैं इन तीनों एंट्री को देखूं और आपसे बोलो ग्रॉस इनकम कितनी है, 60,000, तो जब आपका न्यूमेरिकल होगा इन्हीं इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, आपको प्लस माइनस करके एडजस्ट करना पड़ेगा। आ रही बात समझे? ठीक है, और भी कुछ बोलता हूं। अब ऐसा हुआ कि आपकी ब्रांच की बात कर लेते हैं, एक अच्छा नया ब्रांच मैनेजर आया, क्या कबाड़ ब्रांच बना रखी है, देखा तो 50 साल के लेजर पड़े हुए, एक टूटी फूटी टीन की अलमारी पड़ी हुई है, बेंच पड़ी हुई है, पड़ा वो पड़ा, कबाड़ पड़ा हुआ है जिसकी बुक वैल्यू 0 हो रखी है। उसने कबाड़ी बुलाया और सब कबाड़ निकलवा दिया और 15,000 रुपये उसको मिले। वो 15,000 इस बैलेंस शीट में कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे, इनकम में आएंगे। क्या ये आपकी ऑपरेशनल इनकम है, मतलब आपकी एक्टिविटी वाली इनकम है क्या? जो कोर एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, ऑपरेशनल इनकम नहीं है ये आपकी, कहीं से टपक पड़े तो क्या करेंगे आप? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? अच्छा, आप पता लगा आपका कोई केस वेस चल रहा था, जीत गए, जज ने 5 करोड़ का बैंक को जुर्माना दो, किसी को बोला 5 करोड़ आप कहाँ डाल देंगे? इनकम में डाल देंगे। इससे क्या होगा आपका? और आप लॉस में आ गए। लॉस इनकम कैसी हुई? माइनस में। इस साल को आप नहीं लेंगे अपनी कैलकुलेशन में, इसको हटाओ। ठीक है, तो जितनी बातें मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल से दी अब उन एक एक आइटम को पढ़ लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या लिखी पहले लाइन देखो, क्या लिखा हुआ जो बेस था ना हमारा 242 वाला, उसमें लिखा हुआ पहला आइटम, इट इज इंटेंडेड दैट द मेजर शुड बी क्या है, बी ग्रॉस ऑफ एनी प्रोविजन फॉर अनपेड इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने राइट ऑफ मेड ड्यूरिंग द ईयर को क्या किया था अपने इनकम में? ऐड किया था। तो पहला वाला आइटम क्या होगा? ऐड। और इवन जो प्रोविजन है वो भी आप क्या करेंगे? ऐड। और आपको पता है कि आपका प्रॉफिट जो है किसके बाद निकलता है? प्रोविजन के बाद निकलता है। वो प्रोविजन जो किया है वो आपकी ऑपरेशनल लॉस नहीं है, वो आपका क्रेडिट लिस्ट से कवर हो। ठीक है, अगला देखो, अगला आइटम क्या है, फिर बोलता है बी ग्रॉस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फीस पेड टू आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर इन एडिशन टू फीस पेड फॉर सर्विस दैट आर आउटसोर्स फीस रिसीव्ड बाय बैंक
यानी आउटसोर्स एक्टिविटी को जो आपने फीस पेड करी है वो आपकी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, जबकि उससे आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो आप उसको भी ऐड करोगे। ये जो दो आइटम बताए, ये दो आइटम ऐड होते हैं, ठीक है। और देखिए अब नीचे कौन से आइटम आ गए, एक्सक्लूड वाले आइटम हो गए, कौन से आ गए, जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो कैसे आ गए आइटम, एक्सक्लूड 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 है सारे। तो एक्सक्लूड में पहला आइटम क्या है, रिवर्सल ड्यूरिंग द ईयर इज प्रोविजन राइट ऑफ, बता दिया, कोई आपने रिवर्सल किया यानी क्या इस बार का राइट ऑफ किया है उसे हटा दो। फिर क्या है दूसरा, सॉरी इनकम, इनकम आई है तो उसे क्या कर दो, हटा दो। और क्या है, कोई डिस्पोजल ऑफ आइटम मैंने बोला था, हटा दो। अगला क्या है, सेल ऑफ सिक्योरिटी होल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी, इसको बात समझ लो, इसका मतलब ये है कोई आपने 20 साल की वो ले रखी थी सिक्योरिटी, कितने साल की ले रखी थी, 5 साल बाद आपने बेच दिया, खूब पैसा कमा लिया, तो वो भी आपकी कोर एक्टिविटी का इनकम नहीं है, क्या इफेक्ट करेंगे वो सारी आपकी प्रॉफिट पे इफेक्ट करेंगे, एक्सक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद अगला आइटम क्या है, इनकम फ्रॉम लीगल सेटलमेंट बताया मैंने, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रेगुलर इनकम आ जाए, मान लिया कोई ब्रांच में कोई प्राइस मिल जाए, कुछ डीएम दे दे कुछ प्राइस, ठीक है। अगला क्या है, और इंश्योरेंस एक्टिविटी से भी होने वाली इनकम आपकी क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी, बात समझ आ गई, ठीक है। नीचे जो है देखो लिखा हुआ, बैंक आर एडवाइज टू कंप्यूट कैपिटल चार्ज ऑन ऑपरेशन अंडर द बेसिक इंडिकेटर एज फॉलोज, वही बात आता है ऊपर, जिसमें नीचे अल्फा कितना लिखा हुआ, 15% लिखा हुआ, ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा। तो ये मेरे को समझा नहीं होती, अब मेरे ख्याल में आपको इस बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन आएगा उसमें ये 5-7 इन्फॉर्मेशन होगी, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हो सकती है, ठीक है। तीनों ईयर में से जो लॉस वाली उसको हम हटा देंगे, जो लॉस वाली नहीं है उसको लेंगे। क्वेश्चन जब पूछता है तो कहता है इस साल की बताओ, इस साल की बताओ, इस साल की बताओ, फिर पूछता है कि तीनों साल की बताओ, बीच में पूछ देगा इसमें अल्फा कितना है, तो 5 क्वेश्चन बना देगा इसमें, ठीक है। आसान होता है, अगर आ जाए तो आपको शायद हो सकता है नंबर ही दे देगा, ठीक है। अब जरा आ जाओ उसकी दूसरी अप्रोच, अभी हमने कौन सी अप्रोच करी भाई, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, अब दूसरे की बात करते हैं।